झारखंड के शेरदिल इंसान इंडिया महागठबंधन कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी विनोद सिंह को बंपर प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने को लेकर कोडरमा जिला के मरकच्चो प्रखंड स्थित तेलोडीही पंचायत के ग्राम नईटांड में गठबंधन नेता संघ पंचायत वासियों की हुई अहम बैठक। वहीं बैठक में मुख्य रूप से राजद के जिला अध्यक्ष सह जिला परिषद अध्यक्ष आदरणीय रामधन यादव, राजद अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शरूफुद्दीन अंसारी, राजद के वरिष्ठ नेता अवधेश यादव आदि उपस्थित हुए। साथ ही इंडिया महागठबंधन के सभी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता लोग उपस्थित हुए। वही कार्यक्रम के सभी बूथों पर अति शीघ्र बूथ कमेटी के गठन करने का निर्णय लिया गया। हमारी इंडिया गठबंधन के नेता कॉमरेड विनोद के हाथ को मजबूत करने का निर्णय लिया गया, जिस पर उक्त नेताओं ने सभा को संबोधित कर अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर माले नेता कृष्णकांत मेहता, बबन मेहता, राजद नेता नारायण दास समेत सैकड़ों नेता, कार्यकर्ता, ग्रामीण महिला पुरुष शामिल थे। रिपोर्टर इंद्रदेव कुमार राम, कोडरमा ब्यूरो। लोकतंत्र का महापर्व और लोकसभा चुनाव का घोषणा हुआ है और उसी के संदर्भ में जो महागठबंधन के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किया गया है, बगोदर के लोकप्रिय विधायक और महागठबंधन के लोक सपोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह, उनके पक्ष में कैसे लोग एकजुट हो, कैसे मजबूती से हम लोग चुनाव जीते, उसी को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि सभी प्रखंडों में जिला स्तर से हम लोग बैठकों का दौर चला रहे हैं। और उसी संदर्भ में आज कोडरमा से लेकर सतगावा, तिलैया और आज मरकच्चो प्रखंड में बैठक किया जा रहा है। इसमें सभी पंचायत के जो पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रखंड कमेटी के लोग हैं, गठबंधन के लोग, सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए और हम लोग समीक्षा किए कि हम लोग का बूथ का स्तर क्या है, बूथ का समीक्षा किए, पंचायत स्तर से समीक्षा किए। और पूरे जो समीक्षा में हम लोग का आया है, बहुत सारे लोगों में यहाँ पर जोश है, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है कि इस बार का जो चुनाव होगा, इस बार का चुनाव बदलाव का चुनाव होगा और यहाँ पर लोकसभा का जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो महागठबंधन के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कॉमरेड विनोद सिंह जी का भारी बहुमत से जीत होगा। चलिए बताइए, लोकसभा कोडरमा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बगोदर के माले विधायक भाई विनोद सिंह जी के पक्ष में आज चुनाव प्रचार के दौरान यहां मरकच्चो में इंडिया गठबंधन के मरकच्चो प्रखंड की बैठक हुई और इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने यह बताने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में जुमलों की जो सरकार चला रही है, झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का मूल काम है। जनता को प्रधानमंत्री ने हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात किया और उसके बदले में उन्होंने अग्निवीर नामक योजना लाई, जो नौकरी देने की योजना नहीं, नौकरी खत्म करने की योजना है। हर जनता के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का वादा किया। 10 साल बीत गए उनके सरकार के, 10 रुपया भी खाते में नहीं आए, लेकिन खाने के लाले पड़ गए। महंगाई, भुखमरी, चाहे वो गैस सिलेंडर का दाम हो, डीजल पेट्रोल का दाम हो, अन्य सामग्रियां जो रोजमर्रा के जिंदगी में लोग जो खरीदारी करते हैं, इस पूरे देश की जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा देकर देश की जनता को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है, जो किसी भी कीमत पर कोडरमा की जनता नहीं होने देगी। स्थानीय सांसद जो केंद्र में मंत्री है, इन्होंने 5 साल कोडरमा की जनता को चेहरा दिखाने का काम नहीं किया और जब जनता गोलबंद हुई इंडिया गठबंधन के नेता के समर्थन में, तो वो झूठा मुकदमा कराकर नेताओं को जेल भेजकर डरा कर धमका कर वोट लेना चाहती है, जो कतई संभव नहीं है। कोडरमा की जनता इस बार उनको जवाब देने का काम करेगी। अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहते हुए सरकारी शिक्षा में बढ़ावा नहीं देकर अपने शिक्षण संस्थानों को जो बढ़ाने का काम किया है,
अपने व्यवसाय को जो बढ़ाने का काम किया है, निश्चित तौर पर कोडरमा की जनता उसका हिसाब देगी। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती।